डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दादी माँ की बगिया। ये देखिए बेस्ट डी कंपोजर, ये 20 रुपीज की बोतल आती है और इससे जो चीज़ बनती है उसकी विशेषताएं हम आपको आज बताने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया, मेरे चैनल में पड़ा है, लेकिन आज मैं डिटेल में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कर इससे होता है, वो सारा बताने जा रहे हैं। तो आपको पहली बात तो ये बताऊं कि इसको बना के आप कितनी भी हार्ड मिट्टी जिस तरह की हो, इसमें एक बार आप डाल दो पानी में मिला के, तो ये बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल हाथ में उठाओगे, इस तरह से मिट्टी बन जाएगी। दूसरी बात, ये जिस मिट्टी में डालो आप दो बार पानी में मिला के डाल दो तो इसमें केचुए अपने आप पैदा हो जाते हैं। एक तो विशेषता ये, नंबर दो कि आपका कैसा भी कच्चा गोबर हो आप इसको इस डीकम्पोजर से भिगो के रख दो, 12 दिन में ये इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पुरानी 3 साल पुरानी खाद आपको लगेगी। मैंने डाला, देखिए बिल्कुल काली खाद जैसे आपको लगेगी, ये 2-3 साल पुरानी खाद है। और इसके कितने गुण हैं वो आपको बताएं, ये आप किचन वेस्ट बनाते हो उसमें किचन वेस्ट में 2 मग्गा भर के डाल दो पूरा ड्रम, इतनी जल्दी किचन वेस्ट खाद तैयार हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मुझे इसकी आज आवश्यकता थी क्योंकि मेरे पास 2-2 ड्रम किचन वेस्ट है और मुझे डालना था, तो मैंने सोचा कि आपको आपके सामने ही क्यों ना बनाऊँ, आप भी देख सकते हैं और बना सकते हो। वैसे तो ये 200 लीटर के ड्रम में बनाते हैं, 200 लीटर के ड्रम, 200 लीटर पानी होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए और एक ये बोतल पूरा इसमें जो लिक्विड भरा है ये डालना होता है। लेकिन इस समय मेरे पास में ड्रम खाली नहीं है, तो मैं इस 20 लीटर बाल्टी में 100 ग्राम उसी रेशियो से 100 ग्राम गुड़ डालूंगी और इसका 1/6 मतलब छठा हिस्सा इसमें जो भरा हुआ है वो डालूंगी। तो ये इस तरह से बनता है और ये और इसकी एक खासियत है कि आप इसको बना एक बार बना लो, ये सालों साल चलता है। जिस तरह से आप दूध में एक बार दही डाल के जमा लो और उसका जामन एक चम्मच डालते रहो, बराबर दही जैसे तैयार होता है। ऐसे ही इसको भी 200 लीटर पानी, 1 kg गुड़ डाल के आप मिला दो, फिर वो आपका भी वेस्ट डीकम्पोजर तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप जब भी ख़त्म हो जाए 1-2 लीटर बचे, फिर आप उसी तरह से करते रहो, ये सालों साल चलता है। ये नहीं कि हर बार आपको नई डिब्बी मंगानी पड़े, हर बार आप इसको बनाओ, नहीं, इसका तो जामन की तरह थोड़ा सा भी आप डाल देंगे किसी भी पानी में गुड़ में तो ये वेस्ट डीकम्पोजर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये आपको किसी भी पौधे में आप पानी में मिला के चाहे आप स्प्रे कर दें चाहे मिट्टी में डाल दें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बंजर भूमि को भी ये उर्वरक बना देती है, ऐसा इसमें गुण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक बार मिट्टी में डाल के देखो, दोबारा डालो और तिवारा में आप खोदेंगे मिट्टी तो आपको केचुए नज़र आने लगेंगे। मेरे गमलों में अधिकतर आप किसी भी गमले में खुदाई करके दिखा दें आपको कुछ छोटे छोटे केचुए नज़र आते हैं। तो ये केचुए वाली मिट्टी कितनी उपजाऊ हो जाती है ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि केचुए से मिट्टी कितनी बढ़िया बन जाती है। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊँगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 20 लीटर पानी है और इसमें
ये हम 100 ग्राम गुड़ डाल रहे हैं। वैसे तो ये 200 लीटर के ड्रम में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इस समय मेरे पास में है नहीं, मजबूरी है, इसलिए इसमें हम बना रहे हैं। और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय। ये देखिए, जितना ही ये काला होगा उतना ही अच्छा होगा, ये होता है। इसको हम बहुत थोड़ा डालेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ। अगर हम 200 लीटर बनाते तो पूरी डिब्बी खाली कर देते इसमें। ये मैंने इसमें डाल दिया। और इस तरह से इसको चला रहे हैं, इस तरह से घोलते हैं। कम से कम 20 बार इस लकड़ी को इस तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे तो गुड़ भी घुल जाएगा और इसका जो लिक्विड है वो भी इसमें मिल जाएगा। ये आधी नहीं, इसको 6 दिन तक आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ये 7 दिन में तैयार होता है, 7वें दिन ये आपको बिल्कुल बेस्ट डी कंपोजर बन के तैयार मिलेगा। और इसका कलर कोई भी हो सकता है, इसका भूरा कलर भी हो सकता है, दूध जैसा भी कलर हो सकता है, जैसा आपका गुड़ होगा। अगर गुड़ काला होगा तो काला भी कलर हो सकता है, उससे आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इसमें अच्छे से कल परसों से झाग उठने लगेगी, फिर अपने आप धीरे धीरे जैसे बन के तैयार होगा वो झाग ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। हर रोज़ इसको चलाना मत भूलना, ढक के रख दो, 7वें दिन तैयार हो जाएगा। गर्मियों में तो ये 5 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन इस समय सर्दी पड़ रही है इसलिए 1-2 दिन ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसकी ये भी चिंता न करना कि धूप में रखा जाए या छाया में रखा जाए, आप कहीं भी रख दो। और ढकना इसलिए कि कोई कीड़े पतंगे या घास फूस ना गिर जाए, इसलिए ढकते हैं। बस इस तरह से बनता है। और किसी भी चीज़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये तो मेरे पास जब से मैंने गार्डनिंग करनी शुरू की है तब से बराबर इसको हम यूज करते हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल नहीं था, धोखे से ख़त्म हो गया मेरे पास, तो मुझे नई डिब्बी खोलनी पड़ी और ये बनाना पड़ा। अब एक बार ये बना लिया, अब जैसे ये बाल्टी में थोड़ा रह जाएगा 100 ग्राम आधा लीटर के करीब, मैं इसमें दोबारा फिर पानी भर दूँगी, फिर गुड़ डाल दूँगी, फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसका पानी ही काफ़ी होगा। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये डिब्बी बार बार नहीं डालनी खोलनी पड़ती बेस्ट डिकम्पोजर की, केवल एक बार बनाना पड़ता है बस, फिर ये सालों साल चलता रहता है। और हाँ, अगर आपके पास बड़ा ड्रम 200 लीटर का हो तो एक ही बार बना लेना। उसमें सामग्री क्या है, ये 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़ और एक ये 20 rupees की डिब्बी डाल के बनाया जाता है, इसका ये रेशियो है। तो आप ये बात नोट कर लो, जब भी बनाना तो आप अगर 200 लीटर का ड्रम हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसी रेशियो से, जैसे अभी 20 लीटर है तो ये मैंने 200 ग्राम गुड़ डाला है, इसी हिसाब से आपको डालना है। और इसका 1/6 हिस्सा हमने ये मिक्स किया। अब ये हमारा, ये देखिए इस तरह से कलर बदलने लगा, ये हमने घोल के रख दिया है, ये 7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ता इसमें लगता है, लेकिन डेली इसको लकड़ी से, आप लोहे से मत चलाना, लकड़ी से चलाना इसको बार। और ये भी ध्यान रखना कि लोहे के बर्तन में नहीं बनाना है इसको, जब भी बनाना आप प्लास्टिक के ही बर्तन में बनाना, या मिट्टी का आपके पास में हो मिट्टी वाले में बना लेना, लेकिन लोहे में नहीं बनाना। तो ये, और जब ये बन के तैयार हो जाए तो आपको हम इसका अपडेट दिखाएंगे। इस मिट्टी, ये मिट्टी में देखिए किसी तरह से लकड़ी उंगली नहीं गुच रही है, इसमें हम आपको डाल के दिखाएंगे, 2 बार डालेंगे, देखना फिर वो मिट्टी बिल्कुल ऐसी इस तरह से भुरभुरी हो जाएगी इस तरह से। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।